नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में NSUI के छात्र छात्राओं ने काले चौराहे में जलाया बलात्कारी बाबा का पुतला। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज NSUI छात्र छात्राओं ने कल हुए बलात्कार के आरोपी सीताराम दास बाबा काले चौराहे में पुतला दहन कर जमकर विरोध किया गया। इस दौरान NSUI अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने मीडिया से बताया कि बलात्कारी बाबा को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। वहीं NSUI छात्र छात्राओं ने रीवा SP से बलात्कारी बाबा को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। छात्रों ने कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर बलात्कारी बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो NSUI द्वारा उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। आज आने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बलात्कारी बाबा को गिरफ्तार करने के लिए NSUI द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। आइए सुनते हैं NSUI पदाधिकारियों ने मीडिया से क्या कहा। रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? नाम पंकज उपाध्याय है, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का। जी आज हम लोगों ने कॉलेज चौराहा में वेदांति महाराज जो ढोंगी बाबा आए थे यहाँ समदड़िया द्वारा बुलाया गया था कथावाचक के रूप में, जिनको भाजपा का लगातार संरक्षण प्राप्त है, मैं कहना चाहता हूँ कि एक अपराधी वहाँ गिरफ्तार हुआ है और विनोद पांडे के साथ घूम रहा था। विनोद पांडे ऑलरेडी 302 का अपराधी है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा के साथ कौन समर्थन दे रहा है और कौन सर्किट हाउस खुलवाया था उनके लिए। सर्किट हाउस में जब सरकारी पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारी और केवल मंत्री नेताओं के लिए खुलता है तो उनको कौन खुलवाया? SP साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि कब कार्रवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि सामने आके इस मुद्दे को नहीं कर रहा, जबकि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? छात्र 17 साल की उम्र 16 साल की उम्र की लड़की में बलात्कार हो गया, ढोंगी बाबा समदड़िया द्वारा बुलाए गए थे उनका, मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने बलात्कार करके चले गए और फरार हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई कब होगी? मैं SP साहब से मांग करता हूँ अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सभी छात्र नेत्रियों और नेत्रों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 2 दिन का केवल अल्टीमेटम दे रहा हूँ SP साहब को और भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र शुक्ला जी और सांसद जनार्दन मिश्रा जी, चाहता हूँ कि सामने आए और इस मुद्दे पे बात करें। CM का कार्यक्रम है, उसमें क्या गिराव का कार्यक्रम है? CM का कार्यक्रम है, हम निश्चित रूप से पहुँचने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँच कर हम CM शिवराज सिंह चौहान जी से अवगत कराएं और इसमें कार्रवाई कराएं, क्योंकि समदड़िया द्वारा उनको कथावाचक के रूप में बुलाया गया था। पंकज उपाध्याय NSUI अध्यक्ष TRS कॉलेज रीगा।